नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष पेशकश में। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। हमारे सभी दर्शकों को रोशनी के त्योहार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महालक्ष्मी को आमंत्रित हम करते हैं, ये एक विशेष पर्व है। भगवान गणेश जी से जीवन के सब विघ्न को दूर करने की कामना करते हैं। आज जीवन, चरित्र, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, स्वास्थ्य, वायु, जल, अन्न, प्रकृति, सुहाग, यश, संतान और सुख समृद्धि की कामना लिए हम तन मन से पूजा करते हैं। सनातन परंपरा ये कहती है, भगवान राम के समय से शुरू हुआ ये पर्व आज भी कलयुग में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज की इस विशेष पेशकश में हम आपके लिए यानी कि 12 राशियों के लिए किस तरीके से शुभ मुहूर्त को समझकर किस तरीके से आप विशेष उपाय कर सकते हैं और ऐसे उपाय जो आपकी दाम्पत्य की दीप्ति को जमकाए, जो आपकी आर्थिक उन्नति लेकर आए, जो आपके कारोबार में वृद्धि करे और जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, अमावस्या की रात में एक आपके मन में एक रोशनी, एक पूर्णमासी लेकर आए, वो कौन से उपाय हैं, इस पर बात करेंगे। यश और कीर्ति की ये दीपावली और इस बार की दीपावली अलग क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दीपावली है आपके घर पर, हमें पता है कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। आपके पापा बिजनेस वाली जगह पर हैं, अपने कारोबार के लिए सोच रहे हैं। मम्मी जो है वो घर को किस तरीके से चमकाएं, कैसे आपका धन धान्य से परिपूर्ण घर हो, उसके बारे में सोच रही होंगी। बच्चे जो शॉपिंग की हुई है उससे काफी खुश होंगे। लेकिन इन तमाम खुशी के बीच में अपनी किस्मत को आप कैसे चमका सकते हैं, 2014 की दीपावली आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उपाय करें, क्या मुहूर्त है, 12 राशि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए हम लेकर आए हैं आज का खास पैनल। हमारे साथ 3 विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे साथ राखी जी हैं, ज्योति अरोड़ा हैं और आचार्य पजवेश दुबे जी हैं, जो दीपावली के तमाम पक्ष को रेखांकित करेंगे, आपके लिए विशेष उपाय बताएंगे। आप तीनों सम्मानित मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले परमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, हर दीपावली अपने आप में खास होती है, लेकिन दीपावली 2014 की अगर बात करें, इसकी विशेषता क्या है, क्या महत्व है इसका? चित्रा नक्षत्र संपूर्ण दिन मिलेगा, रात्रि के समय भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ बृहस्पति होगा उच्च राशि में, शनि होगा उच्च राशि में और शनि के साथ सूर्य, चंद्र और शुक्र की युति होगी। ये जो अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत संयोग लगभग 144 वर्ष बाद पड़ रहा है, जो आपके जीवन में पहली बार होगा और इस संयोग का लाभ आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, आपके घर में ऋणात्मक ऊर्जा, आपके घर में तमाम प्रकार की रंभा की संभावनाएं, इन सबसे मुक्ति के लिए अगर आप अच्छे मुहूर्त में पूजन करते हैं। वैदिक काल में भी भगवान श्री राम अयोध्या आने से पहले भी दीपावली का पूजन होता था, लेकिन दीपावली का पर्व तब केवल गणेश और लक्ष्मी के उत्सव के साथ होने लगा। उससे पहले हम अपने जीवन के तत्वों की रक्षा के लिए यम की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, कुबेर की पूजा करते थे, लक्ष्मी की करते थे और गणेश की करते थे। ये 5 तत्वों के पूजन, क्योंकि सृष्टि का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण इन 5 तत्वों से ही है, क्षित, जल, पावक और गगन समीर से। अच्छा, आज चित्रा नक्षत्र और शुक्र की आप बात कर रहे थे, अभी आप चर्चा कर रहे थे, चित्रा नक्षत्र का क्या लाभ है और इसके साथ ही अगर शुक्र की बात करें, वो अस्त है, तो क्या करना चाहिए उसमें? शुक्र अस्त होने के कारण से आपको चाहिए कि आप अपने घर की महिलाओं को पूजन के पश्चात में उत्तम उपहार दें। आपकी सामर्थ्य है तो स्वर्ण की, चांदी की, हीरे की वस्तुएं दे सकते हैं। अगर नहीं सामर्थ्य है तो छोटी सी धोती ही दे सकते हैं, माता को, बहन को, पत्नी को। बिल्कुल, ये विशेष नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और एक ग्रहण की भी बात है, हालांकि ग्रहण का भारत में असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तब भी आप किस तरीके के विशेष उपाय कर सकते हैं अपने घर को, अपने दफ्तर को चमकाने के लिए, ताकि आपका पूरा साल अच्छा रहे। राखी और ज्योति अरोड़ा, इसके अलावा पद्मेश दुबे जी हमारे साथ बने हुए, सबसे पहले राखी का रुख करते हैं। राखी, आपके अनुसार आज का बड़ा उपाय क्या है? पहला,
देखिए सबसे पहले तो आप सभी देखने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में बहुत मंगल लेकर आए, सभी मनोकामनाएं पूरी हो आपकी। देखिए अगर आपकी इच्छाओं की बात की जाए तो एक बहुत खास उपाय, सफेद रंग का झंडा बेहद खूबसूरत चमकता हुआ आज पीपल के वृक्ष पर जरूर लगाएं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और आपके जीवन में झंडे गड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, झंडा भी आपका हो और डंडा भी आपका हो, आज किसी से कुछ भी उधार नहीं लेना, तो चाहे वो माचिस की एक तीली ही क्यों ना हो। आज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर चीज हमारे घर की होनी चाहिए। बिल्कुल, और दूसरा विशेष उपाय वो क्या है आपकी नजर में, क्या बताएंगे? और इसके अलावा ये जो उपाय करने का आप समय बता रही हैं, क्या ये शुभ मुहूर्त में उपाय कर सकते हैं, 24 घंटे में उपाय कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पूरे वर्ष के अंदर सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे शुभ दिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर दीपावली है। एक ऐसा पर्व है जहां हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है, एक ऐसा पर्व है जहां पूरे परिवार की कहीं ना कहीं कोई भागीदारी जरूरी होती है। मम्मी खाना बनाती है तो पापा शॉपिंग कराते हैं, बच्चे पटाखे चलाते हैं, तो पूरा परिवार मिलकर किसी भी वक्त इन मुहूर्तों को कर सकता है। बस राहु काल का ध्यान रखिएगा और हर दिन शुभ है क्योंकि आपका परिवार आज आपके साथ है। बिल्कुल, दूसरा उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, दूसरा उपाय बहुत खास उपाय है क्योंकि इंसानी नर सेवा नारायण सेवा है, नर सेवा ही हमें सबसे ज्यादा करनी है। कहते हैं लक्ष्मी कहां होगी जहां उनके पति होंगे, तो आज नर सेवा नारायण सेवा पर ध्यान दीजिए। किसी भी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को जिसको सच में जरूरत हो, भर पेट भोजन करवाइए और साथ में गाय को गुड़ भी जरूर खिलाइए, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास तो कहां पर होता है, गौ माता में ही होता है। आपको समस्त भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा और जिसे भोजन कराएं उसे दक्षिणा में भी जरूर कुछ दें, हाथ जोड़ें उसके सामने, क्योंकि वो बड़ा है क्योंकि आपका दिया हुआ भोजन कर रहा है और आप छोटे हैं। किसी को भी भोजन कराते वक्त छोटे और बड़े की भावना ना रखें आप। बिल्कुल, हमें किसी से लेना नहीं है, हमें बस किसी को देना है। एक जेनरोसिटी की भावना यहाँ पर होनी चाहिए। राशियों की शुरुआत करते हैं ज्योति। सबसे पहले मेष राशि पहली राशि है, क्या ऐसा अपने दीपावली के पहले से लेकर आखिरी दिन के समय तक उपाय करें जो पूरा साल इनका अच्छा रहे? देखिए मेष राशि यानी एरिस के लिए मैं कहूंगी कि आप आज के दिन अगर हल्दी और चंदन का एक मिक्स बनाकर किसी सफेद रंग के रुमाल पर उसका लेप लगाएं और लक्ष्मी पूजन के साथ आप उसको रखें और पूजन करने के पश्चात उस रुमाल को अपनी तिजोरी में रखें। इसे करने से आपके पास जो है धन संग्रह बढ़ेगा। और ध्यान रखिएगा, अभी आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचिएगा। बिल्कुल, अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि को लेकर क्या है जी? अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जहां ये दीपावली फेम और रेपुटेशन को बढ़ाने का संकेत लेकर आ रही है, वहीं कहती है कि फिजूल खर्ची भी बढ़ा सकती है। आपके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि संध्या पूजन के समय माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बनाकर अर्पित करें। पूजन के पश्चात, लक्ष्मी पूजन के पश्चात उस माला को तिजोरी में रखें। यह आपको जो है आपके किसी भी तरह के लोन को चुकाने में आपकी काफी मदद करेगा। बिल्कुल, और दीपावली को शुभ बनाने के लिए हम वृष की तो बात कर ही रहे हैं, अब मिथुन राशि के लिए क्या सलाह है? जी मिथुन राशि वालों के लिए तो ये दीपावली बहुत ही लकी है, आपकी बहुत मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे शुभ संदेश मिलेंगे। आपके लिए कहने के लिए मैं कहूंगी कि आप अपने पूजा घर को हरे रंग का पेंट करवाएं और हो सके तो दीपावली के दिन दक्षिणवर्ती शंख लें और पूजन में उसे रखें और बाद में वो शंख अपने सेफ में रखें, ये भी आपके लिए काफी लकी होगा। बिल्कुल, अब चौथी राशि की बात कर लेते हैं। चौथी राशि हमारे साथ कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए दीपावली कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है? जी कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले सलाह ये है कि आज के दिन आप किसी गाय को, गौ माता को हरा भोजन कराएं, हरे पत्ते या कुछ ऐसे आप कराएं। और साथ ही साथ आपके लिए एडवाइस ये है कि लक्ष्मी माता को दो कमल के फूल अर्पित करें और लाल कपड़े में उसे लपेट कर पूजन पश्चात उन दोनों कमल के फूलों को तिजोरी में रखें। घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं क्योंकि आपके लिए ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा वेल्थ का इंडिकेटर होने वाला है। अच्छा, पद्मेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। पद्मेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का पूजन होता है? कोई सकारात्मक पूजन करते हैं लेकिन दीपावली का गलत इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं, तो क्या जो किसी पर अगर गलत करते हैं तो क्या उसका असर होता है? दीपावली पर हम बचे कैसे, ये बताइए। महानिशीत काल तंत्र के पूजन का विधान है, आज भी काली के पूजन का विधान है। जो लोग तंत्र में आस्था रखते हैं वो काली की पूजन करते हैं। उस समय आप भी बैठ करके भगवती काली का ध्यान करेंगे और ह्रीम का ही केवल जप करेंगे और ह्रीम का जो उच्चारण नाभि से निकाल करके मुख से निकालेंगे और ये मात्र 28 बार अगर आप निकालने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में किसी प्रकार का टोना टुटका नहीं होगा। दूसरी बात यह,
अमावस्या का जो पर्व होता है वो पितरों का पर्व होता है, तो देरी पर दीपक जलाना न भूलें। जैसे आप गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, यम का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं, इंद्र का पूजन करते हैं, वैसे देरी हर एक के घर में देरी होती है, तो देरी के दाहिने तरफ उसको जल से पूजन कर देंगे और उस पर दीपक जला देंगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ ऋणात्मक ऊर्जा या ऋणात्मक प्रभाव आपके परिवार पे, संसार का कोई भी तांत्रिक, संसार का कोई भी शक्तिशाली प्रयोग आप पर नहीं हो सकता। तमसोमा ज्योतिर्गमे यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर, और प्रकाश का पर्व दीपावली आज है। आपकी दीपावली किस तरीके से सुखद रहे, आपका जीवन, आपका व्यावसायिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, सुरक्षा, संतान, नौकरी, इतनी सारी समस्याएं हैं आज की आधुनिकता भरी जीवन में। लेकिन आधुनिकता के साथ साथ सनातन परंपरा की खूबसूरती को भी सहेजना काफी जरूरी है। हमारे तीन खास मेहमान हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक सुरक्षित और एक समृद्धि वाली दीपावली आप बनाएं। राखी का रुख करते हैं। राखी, तीसरा चमत्कारी उपाय आप क्या बताएंगे, और एक चीज यहाँ पर भी साफ कर दीजिए, क्या ये उपाय मेल करे, घर का बुजुर्ग करे, फीमेल करे, कौन कर सकता है, क्या एक घर का बच्चा भी इसे कर सकता है? निहारिका, सबसे पहले ये उपाय मैं लाई उन लोगों के लिए हूँ जिनके अपने पति के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। अगर आपके पति आपको प्यार नहीं करते या अट्रैक्शन खत्म सा होता जा रहा है, एक कमी है आप लोगों के रिश्ते में, धन धाने तो बहुत है, तो चलिए आज आपके पति से आपके रिश्तों को सही करते हैं। यह है साल भर का उपाय आपको करना है, यानी कि महिलाओं को इस उपाय को करना है अपने पति के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए। शाम के समय अशोक की पूजा करें, अशोक का पेड़ आपके घर के आसपास जरूर होगा, इसे सजावट के लिए द्वार बंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चार मुखी आप सरसों के तेल में जलाकर आइए और उसकी तीन कोमल सी पत्तियां, प्यारी प्यारी पत्तियां तोड़कर लाइए, पत्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए, लाकर सबसे पहले आप लक्ष्मी माँ के चरणों में रख दीजिए, फिर इन पत्तियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने अपने हनीमून के कुछ खास यादें, बातें और अपने पति के प्यार के वो पल तिजोरी में बंद कर दिए। बस देखिए, धीरे धीरे आपके पति का अट्रैक्शन और वो खोया हुआ प्यार आपकी जिंदगी में वापस मिलने लग जाएगा। बिल्कुल, मतलब बच्चे ना करें? जी नहीं, महिलाएं करें, सिर्फ महिलाएं करें जी। और अगर महिलाएं करेंगी तो पूरा घर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि महिला ही रीढ़ की हड्डी होती है, परिवार को चलाने वाली होती है, चाहे वो कर्मचारी हो, काम कर रही हो, हाउसवाइफ हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा परिवार एक महिला के इर्द गिर्द ही घूमता है। ज्योति, सिंह राशि की बात करें, कितनी प्रभावशाली दीपावली होने वाली है आज? जी, जहां तक हम लियो यानी कि सिंह राशि की बात करें तो उनके लिए कहेंगे कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात उनके लिए काफी लाभकारी होगी। उनके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि अपने प्रवेश द्वार की जो है वास्तु पे थोड़ा सा ध्यान दें और वहां पर एक अखंड दीपक जलाएं दीपावली की शाम को, अगले दिन सुबह तक ये दीपक जलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरह से अपने घर में कोई भी अगर क्लटर है तो उसको भी रिमूव करिए, ये दीपावली आपके लिए शुभ है। बिल्कुल, क्लटर रिमूव करना यानी कि कूड़ा हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें पुराने फूल भी होते हैं ना ज्योति, वो भी हटा दो। पुराने फूल मैंने देखा है, लोग अपने पुराने म्यूजिक सिस्टम, पुराने चार्जर्स और पता नहीं कुछ बल्ब्स और पता नहीं क्या क्या सहेज के रखते हैं, जो आपने दो तीन साल से इस्तेमाल ही नहीं किया वो चीजें सहेज के रखना बिल्कुल क्लटर ही होता है। और न्यूज पेपर्स वगैरह तो वीकली आपको डिस्पोज ऑफ कर देने चाहिए, तो वो क्लटर मत इकट्ठा कीजिए, जिंदगी को सरल बनाए। बिल्कुल, अपने घर का कूड़ा दूर करिए लेकिन किसी दूसरे के घर में भी मत डालिए, अपना का अपना जो घर है उसको चमकाइए, तभी तो लक्ष्मी आएंगी। कन्या राशि के लिए क्या सलाह? जी, बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में, तो उनके लिए कहेंगे थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, आप अब बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, ये बहुत समय तक आपका साथ नहीं देने वाला है। पूजा के समय आपके लिए एडवाइस करूंगी कि कोई आसन पे ही बैठकर पूजा कीजिए, कोई सिल्क का कपड़ा आप आसन पे डाल सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा और आपको जो है आपका खुद की स्थिति काफी मजबूत होगी। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करना जोड़े में काफी आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल, कमल का फूल अर्पित करें। तुला के लिए इसी तरीके से शुभ लाभ की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? जी, अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए, तो कहते हैं कि ये साल आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर्टी डील तो बिल्कुल मत कीजिए, आप थोड़ा सा रुक जाइए, अगले साल की प्रतीक्षा कीजिए। आज के दिन लक्ष्मी माता को कमल के फूल तो अर्पित कीजिए ही, साथ साथ नारियल भी अर्पित करें, हो सके तो सुबह सुबह प्रभात में स्नान से निवृत्त होकर आप किसी लक्ष्मी मंदिर भी जाएं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताइए, हमेशा कभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो नारियल मेल ही फोड़ते हैं, महिलाएं क्या नारियल अर्पित कर सकती हैं? वो भी नारियल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है, नारियल अर्पित आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी माता को नारियल अर्पित सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब आपका सबसे बड़ा इंतजार खत्म होता है, हम आज के मुहूर्त की बात कर लेते हैं, जितने भी आज के मुहूर्त हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पद्मेश जी, आज के विशेष मुहूर्त
किस सावधानी के साथ हम पूजा करें, हमारे शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी इसमें लग्न होगा, कौन सी राशि में है। आपने बताया चित्रा नक्षत्र की बात, आपने शुक्रस्त के बारे में बताई, लेकिन वो चार समय भी बता दीजिए। निहारिका, दीपावली एक बड़ा पर्व है और बड़े पर्व में छोटे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, तो जो छोटे भी दोष अगर हैं तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर मुहूर्त के साथ आप कोई कार्य करते हैं तो अधिक फलदायी होंगे। और मुहूर्त के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्रदोष काल सायं 5:22 से लेकर के 7:51 तक प्रदोष काल है, और वृषभ लग्न है 6:40 से रात के 8:36 तक, सिंह लग्न रात को 1:08 से 3:21 तक, और महानिषीद काल जिसमें साधना की जाती है 11:12 से लेकर रात के 12:12 तक, अमृत चौघड़िया जो आपको मिलेगी सायं 5:22 से 8:32 तक, लाभ की चौघड़िया रात के 11:42 से रात के 1:17 तक, और शुभ अमृत चौघड़िया इस 2:52 से रात के 6:05 तक। इस प्रकार से चार आपके श्रेष्ठ मुहूर्त जो निकलेंगे सायं 6:40 से 7:51, दूसरा है सायं 6:40 से रात के 8:36 तक, तीसरा है 11:12 से रात के 12:02 तक, और चौथा है 1:08 से रात के 3:21 तक। लेकिन कई लोगों के परिवार में व्यापार होता और व्यापार में वसना पूजन भी होता है, कई लोगों के यहाँ सरस्वती का पूजन होता, तो उसके लिए जो मुहूर्त है प्रातः 10:39 से दोपहर 1:30 तक, मध्याह्न में 3 से लेकर के सायं 5:40 तक है। मुहूर्त में किया गया फल कभी भी निष्फल नहीं होता है, ये शास्त्र भी कहता है और मेरा 52 का अनुभव भी कहता है। बिल्कुल, अब राखी से ही चौथा उपाय जान लेते हैं। मुहूर्त लगातार हम दिखा रहे हैं और ये जो मुहूर्त है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, राहु काल में कोई पूजा मत करिए, लेकिन ये जो चार शुभ मुहूर्त है उसको आप पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आज के विशेष मुहूर्त हमने बताया जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, राखी चौथा विशेष उपाय, और ये भी उपाय किसके लिए है, एक जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दे दें कि जितनी भी राशियों के बारे में हम बात करें वो आपकी कुंडली के अनुसार है, यानी कि मून साइन के अनुसार है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली को बेहतर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हमारे पैनल के माध्यम से। राखी चौथा उपाय, चौथे उपाय की बात कीजिए तो अक्सर दिमाग में ये बात रहती है कि दीपावली है भाई, शाम को पूजन होगा, शाम को पूजा करनी है, तो चलिए इस बार कुछ अलग करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि भाई कार्तिक मास चल रहा है तो आप शायद कार्तिक भी कर रहे होंगे, 4 उठ के ब्रह्म स्नान भी कर रहे होंगे, तो सुबह ही आप एक रात पहले यानी छोटी दीपावली पर ही 9 गेहूं, आपको गेहूं लेनी है आज, और 9 गेहूं लेकर 1 दर्जन केले लेकर मां लक्ष्मी को अर्पण करने हैं। अगर आप नहीं भी ले पाए कल तो आज ले लीजिए 9 गेहूं और 1 दर्जन केले लक्ष्मी मां को अर्पण करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य नहीं भी कर पाए तो शाम लक्ष्मी पूजन से पहले इस उपाय को करने से लक्ष्मी मां की और खासकर अन्नपूर्णा मां की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपके भंडारे यानी कि रसोई किचन अन्न से भरपूर रहेगी। अच्छा, वही जो गेहूं अर्पित कर रहे हैं वही अपने भंडार में मिला लें जी, आप उसमें से कुछ गेहूं लाकर अपने घर में जरूर रखें, चाहे तिजोरी में रखें और चाहे आप उस गेहूं के दाने, क्योंकि कनक क्या होती है, सोने के बराबर होती है, तो आप याद रखिए ये कनक आपके घर में आना, आपके मुख्य दरवाजे पर 2 दाने कनक के डाल देना, इससे भरपूर आपके घर में जो है लक्ष्मी बरसेगी। वृश्चिक राशि का माई जलीय राशि है और आज के दिन वो कैसे शुभ दीपावली शुभ लाभ की ओर अग्रसर हो, ज्योति। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी लकी रह सकता है, आपकी जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपके लिए काफी शुभ है, काफी बिजी भी रहेंगे आज के दिन, आप किसी नदी किनारे अगर पूजन करते हैं तो आपको काफी लाभकारी होगा, आप अपने माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, ये आपको काफी अच्छी एनर्जी देगा। और कुछ इसी तरीके से धनु राशि के लिए क्या विशेष बताएंगे आप? धनु राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना है, 1 महीने तक कोई निवेश नहीं करना है, पूजा स्थल को नीले रंग का पेंट करें तो अच्छा रहेगा, पीले पीपल वृक्ष की कोई अगर सेवा करेंगे, अगर मान लीजिए 2 रोज जल देंगे तो आपके घर में धन वर्षा होगी। बिल्कुल, अब मकर राशि का रुख करते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए नई चीजों की शुरुआत होगी, नए प्रोजेक्ट खुलेंगे और उनमें वो हिस्सा भी लेंगे, पार्टनर के बारे में आपके लिए मैं कहूंगी कि आप सोच समझ के आप किसी के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी माता को उनके मायके का जो आहार है खील अर्पित करें, खील पताशी अर्पित करें तो वो आप पे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, कुंभ राशि के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आज किस तरीके से शुभ लाभ
रहे, कैसे मन खुश रहे जी। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगी कि आपके तो अच्छे दिन आ गए हैं, अब आपकी आर्थिक तरक्की भी होगी, पैसे की वर्षा भी होगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। आज के दिन स्वर्ण लक्ष्मी गणेश अगर आप स्थापित करते हैं और रोज उनके सामने आप दीपक जलाते हैं तो आपके लिए काफी शुभ होगा। बिल्कुल, आखिरी राशि के बारे में ज्योति क्या कहना है जी। अब पाइसी जाने की मीन राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस ये होगी क्योंकि बृहस्पति काफी उच्च का चल रहा है तो आप किसी भी तरह का जिसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप खाते हैं तो आपने मन में निश्चय कीजिए कि आप वेजिटेरियन होंगे, ये आपके लिए काफी शुभ होगा। बिल्कुल राखी, इसी तरीके से पांचवा आखिरी महत्वपूर्ण उपाय क्या बताने जा रही हैं आप? हनुमान जी की बात ना हो तो ये बात अधूरी रह जाएगी। आज एक नारियल ले लीजिए, नारियल अच्छा एकदम साफ सुथरा करके उसमें कामिका सिंदूर से पूरी तरह से मलकर मोली। कामिका सिंदूर क्या होता है? कामिका मतलब जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है वो सिंदूर लेकर उसके ऊपर मोली लगाकर और अक्षत डालकर अगर हनुमान जी को आज के दिन अर्पण किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके घर में अगर कोई भी तंत्र मंत्र विद्या है तो वो भी दूर होगी। बिल्कुल, आखिरी में जाते जाते पद्मेश जी आपसे जानना चाहेंगे, शुभ मुहूर्त में ऐसा कौन सा समय है और ऐसी क्या हम संकल्प है, ऐसी क्या बात दोहराएं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए? ग्रह लक्ष्मी का अपमान न करें और उससे तीन बार मंत्र पढ़वाएं जो मार्कंडेय ऋषि ने किया था, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, आपके घर में रंभा प्रवेश नहीं करे। अपन में जी बहुत छोटे में लक्ष्मी जी की मूर्ति का आकार कितना और गणेश जी की सूंड उसकी भ्रांति? हाँ, ये बहुत आवश्यक है निहारिका कि सिंहासन से 4.5 अंगुल से अधिक की मूर्ति निषेध मांगनी गई है। घर में जो ग्रस्त जीवन आप जीते हैं तो उसको 4.5 अंगुल की ही मूर्ति होनी चाहिए, तभी गणेश जी के दाहिने तरफ ही लक्ष्मी जी का स्थान होता है और दाहिने तरफ ही रखिए, उसके बाद में कुबेर का, कुबेर के बाद में इंद्र का, इंद्र के बाद में यम का। अगर इनकी मूर्तियां नहीं हैं तो आप सुपाड़ी पर मौली बांध कर स्थापित कर शेप दाहिनी तरफ। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमारे तीनों सम्मानित मेहमान, इतने अच्छे उपाय आपने बताए, यहाँ पर ही पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी स्टूडियो में हो रही है तो हमारे दर्शक से उम्मीद है एक शुभकामनाओं के साथ, एक वेलकम के साथ, एक कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ही कि उपाय आप जरूर करें क्योंकि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि आज है शुभ दीपावली। नमस्कार।